तो गाइस लेके आ चुका आप लोग के लिए एक और न्यू ग्रुप राइड वीडियो मेरे चैनल पे। और ये है मेरे भाई विक्की। तो एक्चुअली अभी मैं हूँ रायपुर में और ये मेरा सेकंड टाइम बाय बाइक रायपुर है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है रूट के बारे में, तो फिलहाल विक्की जो है मेरे को रूट गाइड कर रहे हैं। तो चलते हैं फटाफट से क्योंकि 8:30 मीटिंग टाइम था, बट 8:30 हो चुका है, 8 बज चुका है। बाय। हाँ कौन सा पास पड़ेगा? हाँ तू चल रेडी बाय। तो गाइस विक्की ने मुझे रूट तो गाइड कर दिया है, बाकी अब चलते हैं देखते हैं यहाँ से लेना है तो लेफ्ट लेने को बोला था तो लेफ्ट लेते हैं फिलहाल अभी। अभी हमें VIP रोड में आ गया मैं। चौक से भी लेफ्ट लेना है। तो मुझे यहाँ से जो है यूटर्न का सिंबल मिल रहा है। तो 5 मिनट्स का रूट को हमने बना दिया है, 1 मिनट का रूट। अब देखते हैं कहां पर हैं राइडर्स, तो दिख ही जाएंगे अगर होंगे तो। पेट्रोल पम्प तो ये रहा, आई थिंक सो सारे राइडर्स ये खड़े हैं। लेट्स रोल दिस साइड, आई थिंक सो यही है। लेट्स टॉक ब्रदरहुड भाई, हेलो अंकित। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, गाइस तो मैं पहुंच चुका हूं पेट्रोल पंप और सारे राइडर्स आ चुके हैं। ये देख सकते हो लाइन से जो है बाइकें खड़ी है और कुछ बाइकें जा रही हैं फ्यूल अप के लिए और हवा वगैरह डलवाने के लिए। ये एक RS 200 आ चुकी है पेट्रोल और हवा डलवा करके। बाकी अभी हम विद इन फाइव मिनट जो है राइड पे निकलने वाले हैं, तो फटा अभी वेट करिए, देन हम जो है राइड पर दिखा दो डायरेक्टली अब आपको। तो गाइस सारे राइडर्स आ चुके हैं और अभी अटेंडेंस चल रहा सभी का। और ये हमारी JD भैया, बहुत मजा आने वाला है राइड पर, पूरा देखना इसको। गाइस सारे राइडर्स जो है अब निकलने वाले हैं और हम भी अपने सारे सेटअप जो है रेडी कर चुके हैं। चलो तो यार देख सकते हो अभी मतलब नॉर्मली स्पीड है सबकी 50-60 ही चल रही है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। धीरे धीरे सारे जो राइडर्स एक एक करके मेरे से आगे निकलते जा रहे हैं। और ये जो राइड है ना ये हमारी टोटल रहने वाली है 65 किलोमीटर्स की। भी हम से आगे निकल चुके हैं फिलहाल अभी, तो चलते हैं उनको कैच करते हैं फटाक से। ओह सामने हॉर्नेट में जा रहे हैं हमारे JD भैया जिनकी बाइक, और इनका भी चैनल है JD ट्रेवल्स करके।
तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इनका पेस्ट कर दूंगा। तो हमें हैंड सिग्नल मिल चुका आगे चलने का, ओए ये देख सकते हो एक्सपल्स में स्टंट, यहाँ पर 100 प्लस चल रहे हैं क्योंकि मैं खुद 99 में चल रहा हूँ। तो सारे राइडर्स यहीं पर हैं, ये हमारी डेस्टिनेशन है। तो अभी हम डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और सारे राइडर्स जो धीरे धीरे आ रहे हैं। कैसा लगा? दो शब्द कहना चाहोगे? हाँ इसीलिए तो बोला दो शब्द कहना चाहोगे। दो शब्द यही है कि आधा हम लोग पूरा कर लिए हैं और थोड़ा सा बस बचा है, इसके बाद अपन पहुंच जाएंगे। अच्छा अभी आधा ही हुआ है? मेरे को लगा ये डेस्टिनेशन है घर की, ये घर पर ही है, घर पर है। अरे नया चीज है ना, नहीं पहन सकते, मम्मी बोली मेरे को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नवरात्र में नहीं पहनते ना। चलो गाइस तो चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ सीरियस डिस्कशन हो रहा था, देन उसके बाद अब निकलते हैं राइड के लिए। तो यहाँ पे एक इसलिए रुके हैं फोटो सेशन, आई थिंक सो यहाँ पे जो है फोटो सेशन वगैरह करेंगे। हमारे जेडी भैया पीछे कैसे रह गए, 161 के बाद भी। हाँ चले हो गया, आप लेट हो गए। इससे पहले जो हम रुके थे ना वहाँ पे एक्चुअल में वो डेस्टिनेशन नहीं था हमारा, वो सब ग्रुप डिस्कशन के लिए रोका गया था, बट मुझे लगा कि शायद हमारा डेस्टिनेशन उसी के आसपास ही हो, तो इसलिए मैंने बोल दिया था। बाकी अभी मुझे बाद में पता चला कि वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं था, हमारे डेस्टिनेशन अभी बहुत दूर है। थोड़ा अभी चाय नाश्ता करेंगे, देन अभी हमें आगे निकलते हैं। तो फिर आप फिर अभी आपको आगे दिखाता हूँ, आपकी बाइक चलाऊंगा अब मैं, मेरी बाइक चाबी लगी है, चला लोगे? ट्राई कर लो, हम भी देखे हॉर्नेट कैसा फील होता है। तो गाइस अब हम निकलने वाले यहाँ से, सभी राइडर जो है गेट अप हो रहे हैं और मैं चलाने वाला हूँ जेडी भैया की। तो अभी हम आ चुके जेडी भैया की, माय गॉड क्या पिकअप यार इसमें। जेडी भैया की हॉर्नेट 2.0 चला रहा हूं मैं और बाइक की ना सीट हाइट भी उतनी ज्यादा है नहीं, तो इजीली जो है चला में कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं लग रहा।
आओ यार, क्या प्लेस है, मतलब मानना पड़ेगा भाई साहब, ऑसम व्यू, ऑसम प्लेस। पहुँच चुके डेस्टिनेशन पे और देख सकते हो, व्यू चेक कर सकते हो, और यहाँ पे हमारे सारे ग्रुप के राइडर्स हैं, सारे अभी ग्रुप डिस्कशन चल रहा है कि नेक्स्ट टाइम कहाँ का करना है। और ये जेडी भैया हमारे अपने ग्रुप के साथ रेडी है। तो भाई अपन पहुँच गए हैं अभी उदार टेम में और हम पानी में कूदने वाले हैं जोरदार, इसको तैरना नहीं आता फिर भी ले जाऊँगा इसको। गाइस तो हमारे काफी सारे फ्रेंड्स राइडर्स जो है पानी के अंदर गोता लगा चुके हैं और ये खड़े हमारे यहाँ पे जेडी भैया अपना कैमरा लेकर के, मैं कोदार डैम में, और ये हमारे जेडी भैया को मेरे फोन पे काफी ज्यादा शक है कि मेरा फोन अंडर वाटर है कि नहीं, तो अभी वीडियो चालू करके मैं अंडर वाटर सभी भैया के सामने अंडर वाटर कर रहा हूँ, पानी से निकालने के बाद थोड़ा टच काम नहीं करेगा, बाकी जेडी भैया को प्रूफ दिखाते हैं, तो फोन को करते हैं उल्टा और गाइस पानी के अंदर फोन कर ना, वीडियो प्ले बंद करके था, फिर से करके देखते एक बार अंडर वाटर, ठीक है। 50 जेडी भैया अब मैं बाहर ही नहीं आऊंगा, अब मैं बाहर ही नहीं आऊंगा, मजा आ रहा है। वो डिपेंड करता है, यहाँ से भी ले सकता है। अभी तो मैंने अपना फोन को पानी में डाल दिया, निकाल दिया है, फिर से एक बार की बार गारंटी देता है नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 10-12 बार हो चुके हैं, भरोसा है पूरा इसमें। तो अभी वीडियो चालू है, जेडी भैया आप देख सकते हो, ठीक है, जेडी भैया को वीडियो चालू कर दिखा चुका हूँ, मैं दिखाता हूँ कि कैसा अंडर वाटर, देख सकते हो तैरने नहीं आता था, जेडी भैया चिढ़ा रहे हमको, वो आराम से तैरते आगे जा रहे हैं, कैमरा देख के बोले तैरना सीखना है। इतने पानी में बच्चों भैया जैसे तैरना सीख रहे हैं, तैरने से ज्यादा पानी उड़ा रहे हैं लोग। अरे यार हम कैसे चल के जाओगे, गाइस छाती तक पानी आ चुका है, नायलॉन से स्वाइल मेरे मर गए, अब थोड़ा लग रहा है, जंप हो रहा है, ये फायदा 6 फीट होने का, पंचमेड़ी के नए तालाब में घूम रहा हूँ, गर्म पानी आया निकलना पड़ेगा, क्या ठंडा हो गया, ठंडा गर्म क्या गड़बड़ी है, ये बताएंगे कहीं भी ठंडा कहीं भी गर्म, क्या गड़बड़ी है, गर्म है क्या गड़बड़ी है, नीचे सामान ज्यादा क्या, लोगों के द्वारा ज्वालामुखी कहीं फट रहा है, ओए भाई ओए चुटकी लगा लेते हैं, अंदर जाएंगे जेडी जी के पास भाई, खड़ी करते हो देख सकते हो गाइस, पीछे से वाइट होल दिख रहा है, तक पानी आ चुका है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, दिख रहा है भाई, और आगे जाएंगे थोड़ा सा, बस यहाँ ठीक है, पहले तक पानी पहला कदम, उसके बाद दूसरा थी आखिरी कदम, उसके बाद सर भी था, सर भी था अंदर, अनक्षर यहाँ तो आप ना, अभी तू आना यहाँ पर, काफी हॉट है यार, गर्म पानी यहाँ पर, पानी काफी गर्म है, एकदम ठंडा, पानी वाला गेम खेलने वाले, पानी वाला कौन कितनी देर तक अंदर रह पाता, ठीक है,
ठीक है, रेडी, वन टू थ्री। भाई कोई कुछ लेना वाला अंदर ये ला कर भाई, पानी मेरे को बाहर फेंक दिया, पानी में ला मारा, कौन ला दो भाई, ऐसा कौन ला तो मिला तो मैं हूँ क्योंकि ये लोग हाथ मारे सब जो हाथ मारे अरे विनर 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 नहीं चाहिए गाइस, पानी मेरे को अपने ऊपर फेंक दिया और लग रहा है अंदर फ्लिप मार रहे हो तो भैया ये पानी में स्टंट करते हुए पानी में स्टंट और ये स्टंट फ्लॉप नया आविष्कार हुआ है और ये स्टंट फ्लॉप चश्मा मिला है चश्मा मिला है वो कौन है भाई मम्मी नया मम्मी क्या कर रहा है भाई निकल गया पहला स्टंट फेल हो गया सेकंड स्टंट फिर से करते हुए भैया लोग भाई किसी को पत्थर ना तो देख के ना तो गीला से जाओ कैमरा को ना कर दो शॉट शॉट खाओ ठीक है ऐसे करना क्या मैं भाई कुछ ले रहा है मत बता बोल जेडी भैया ओह माय गॉड जेडी भैया एंगल डायरेक्शन अच्छा मूव कुछ अंदर तो नहीं आया ना अभी अभी दिखाऊंगा आपको दिखाऊंगा कहां था आपका अच्छा सब रिकॉर्ड है डालेगा गाइस तो मेरे गले तक पानी चुका तो मुझे डायलॉग याद आया पूरी जैसा हुआ आप तो बहुत लंबा है भाई भाई सब ठीक है लेकिन क्या कर सकते हैं समर का सही मजा भाई एकदम गाड़ी जा रहा तो नहीं है ना नहीं नहीं एकदम नहीं है अरे बिल्कुल चलो यार चलो चलो यार यहाँ पे कठे नहीं अभी आ जा लकी हेलो हेलो गाइस तो आप सभी को डार आइए और ये कुडार का एंजॉय और ये नंबर को नंबर कैसा लग रहा आपको टीवी में घूम करके फुल एंजॉय फुल एंजॉय ढकेल दो तो अपना ट्यू का एंजॉयमेंट का कुछ बताना चाहेंगे सुपर ठंडा मौसम है एक नंबर ठंडा गर्म का कोई नहीं है तो समर में आने यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी ऐसा टाइप से एक नंबर लगा मुझे बहुत मजा आया बहुत मजा आया एक नंबर सो गाइस भैया का रिव्यू हमने चेक कर लिया अभी हम वेट देखते हैं और कौन जाने जा रहा है क्यू में पानी में धक्का देने मतलब सॉरी पानी में लाने में मदद किया था धक्का नहीं दिया ना ये गलत वो तो ऐसा क्या था बांसुरी को कही कि मैं पानी में हूँ ना ये गलत था ना वो क्या गलती से हो गया मैंने पानी धक्का नहीं दिया पानी में मुझे लाने में मदद किया भाई ने मुझे पानी में डुबाने में डुबाने में भी नहीं डुबाने में भी नहीं 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 लाने में पानी का डर निकालने में मदद किया पानी का डर निकालने में मदद किया ना मैंने डुबाया ना मैंने ढकेला है सॉरी गलत गलत बोला था और मैं कॉटिंग में जाते हुए और आगे आगे आ जाओ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आ जाओ आ जाओ कौन है भाई भाई बोल रहे हो किधर है अरे हमारे भैया जो अभी ट्यूब पर तैर रहे हैं वो एक राइडर है तो
तो उन्हीं के बाद एक बात बोलना चाहूंगा, गाइस राइडिंग से डर नहीं लगता, पानी से लगते हैं। अरे हमारे जेडी भैया का सिर्फ सर दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है, कैसा लग रहा है 24 घंटे से सिर्फ ट्रैवल कर रहे हो यार? अभी तो रिलैक्स कर रहे हो ना यार, रिलैक्स और क्या चाहिए भाई, बहुत ज्यादा कह रहा है। अगर आपको तैरना आता है तो ठीक है, नहीं आता ट्यूब लेके आए अपने घर से, गला दिख रहा है तो मेरे घर तक जरूर पहुँचा देना, देखो ज्यादा सीरियस मत हो, कॉमेडी है। पानी में डाले मैंने तो ये सर्विस। अरे यार भाई, हमारा पानी का पानी जो भी मस्ती कर रहे थे खेल रहे थे सब कुछ मच गया, तो हमारे सारे भैया लोग बैठे हुए यहाँ पे जेडी पे बैठे हैं, आराम से कॉल बात कर रहे हैं। देन यहाँ पे ये हमारे स्विमर भैया और ये भैया जिनको मैं डुबा दिया था यूट्यूब बैठ कर भैया मस्ती करके बैठे हुए अपना जुगाड़ पानी है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, खाएंगे पियेंगे, फिर निकलेंगे एडवेंचर।